हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि ना ही सिर्फ टेस्टी बल्कि हेल्दी भी होने वाली है। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा, जिसे ना ही सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये ले लिया है मैंने हलवा बनाने का सामान। एक कटोरी मूंग ले ली है, एक ही कटोरी चीनी ले ली है और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं बारीक चॉप करके, और एक गिलास दूध ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक पैन को चढ़ा देंगे और इसमें हम मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये मूंग दाल को मैंने अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ लिया था। अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जो इसमें मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे, और इसमें थोड़ा सा कुरकुरा बन आ जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा दाल का कलर चेंज हो गया है। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी, पैन अभी गर्म है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये मैंने जार में डाल दी है, तो चलिए इसे पीस लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा बारीक और नहीं करना है, ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना है। तो चलिए पीस लेते हैं। इसे पीस के थोड़ी देर बंद ही रखना पड़ेगा ढक्कन को, नहीं तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए दाल का सारा पाउडर ऊपर आ जाएगा। तो इसे आधे आधे मिनट के लिए बंद रहने दें और थोड़ा वेट करें। तो ये ले लिया है मैंने कढ़ाई में घी, मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। तो ये देखिए मूंग को हमें इतना पीसना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा बारीक। गैस को कर देंगे कम और हलवे को डाल देंगे, सॉरी मूंग दाल को डाल देंगे। तो इसे मिला लेंगे हम। वैसे तो हमने मूंग दाल को पहले भी भून लिया है, पहले काफ़ी अच्छा भूना है, बस अब थोड़ी देर ये घी में इतना भून लें कि इससे खुशबू आ जाए। आधा तो हमने मूंग को पका ही दिया था, तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा कलर आया है। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे, और इसको मीडियम आंच पे हम भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे बहुत जल्दी चिपक जाता है कोई भी हलवा हो। तो देखिए 2-3 मिनट इसको भूनते हुए हो चुके हैं और इसने कलर बहुत अच्छा छोड़ दिया है। मूंग दाल मतलब भून चुकी है, इसे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे नहीं तो जल जाएगी। तो इसमें डाल देंगे हम दूध, क्योंकि इसको पहले भी हमने 2-3 मिनट पहले भून लिया था, 2-3 मिनट अब भून लिया है, तो इतना काफ़ी है। इसमें हम दूध डाल देंगे धीरे धीरे करके। आप अपने हिसाब से दूध डाल सकते हैं कि इसमें कितना लगेगा इसको फूलने के लिए, अपनी क्वांटिटी के अनुसार कि
कि आपने कितनी मूंग ली है उसके हिसाब से आप दूध डाल दें। ये देखिए मुझे लग रहा है मेरा तो देखिए इतना काफी होगा, इसको चलाते रहे नहीं तो इसमें लम्स बन जाते हैं। बस अब हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे। तो ये देखिए ये हमारा थिक हो रहा है। अब हम डाल देंगे चीनी, जैसा आप मीठा खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। मेरे यहाँ कम ही खाते हैं चीनी, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। तो ये देखिए ये थिक होता जाएगा, बस हमें इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको चलाना छोड़ देंगे तो ये एकदम से लग जाएगा कढ़ाई पे और इसकी इतनी गंदी महक फिर आएगी, आपकी सारी मेहनत फिर फेल हो जाएगी। तो बस इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। और ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल दूंगी इसी टाइम, थोड़े से अभी डाल दूंगी, थोड़े गार्निश के लिए रख दूंगी। बस इसे हमें मीडियम आंच पे ऐसे ही पकाते रहना है। तो ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ये पूरा बाइंड हो चुका है और मूंग भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो बस इसको चलाते रहेंगे थोड़ा सा। हलवा हमारा खुद ही तले से निकल रहा है, एक मेज़ हो चुका है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो एकदम उससे ये अलग हो जाता है। तो ये हो गया है तैयार। तो चलिए इस गैस कर देते हैं हम बंद और इसको कर लेते हैं सर्व, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए तैयार है ये गर्मा गर्म मूँग दाल का हलवा, इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो देखिए है ना डिलीशियस देखने में, तो जितना ही डिलीशियस ये देखने में है उतना ही ये खाने में भी होगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितना ये टेस्टी है उतना ही ये हेल्दी है, तो आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरी एक नई वीडियो में।